गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर नंबर 2, द बिली गोट एंड द किंग. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. डिड आई लाफ रिप्लाइड द किंग. किंग ने अपनी वाइफ से, क्वीन से कहा कि मैं कहाँ पर हंसा हूँ, यानी मैं कहाँ हंसा हूँ, मैं तो नहीं हंसा. ऑफ कोर्स यू डिड, उसकी वाइफ ने कहा हाँ वाकई में तुम हंस रहे थे. रिपोर्टेड द क्वीन, क्वीन ने कहा कि मुझे लग रहा था कि आप किसी को देख के हंस रहे हैं, लेकिन मुझे तो कोई यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा. एंड इफ़ यू थिंक दैट आई एम रिडिकुलस, यदि आपको लगता है कि मैं मजाक के मूड में हूँ, आई विश वुड से सो इंस्टीड ऑफ बिहेविंग इन दैट स्टूपिड वे. वाट आर यू लाफिंग एट, यानी मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ ये ऐसी बहाने बना के, और ये बताओ कि आप किसके ऊपर हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे, क्या रीज़न था. कौन पूछ रहा है? किंग से उसकी वाइफ. आई एम नॉट लाफिंग एट एनीथिंग, क्या कहता है राजा कि मैं किसी पर नहीं हंस रहा था. आंसर्ड द किंग, फिर भी राजा ने ये कहा कि मैं तो किसी पर नहीं हंस रहा था. वेरी वेल, बट यू डिड लाफ, बहुत अच्छे लेकिन तुम हंसे थे. आई वॉन्ट टू नो वाई, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्यों हंसे थे, रीज़न क्या था. वेल आई एम अफ्रेड, हाँ मैं डर गया हूँ. आई एम सॉरी, आई कॉन्ट टेल यू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता. सेड द किंग, राजा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं हंस रहा था, लेकिन मैं क्यों हंस रहा था, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता. यू मस्ट टेल मी, रिप्लाई द क्वीन इम्पेशेंटली, लेकिन उसने फोर्सफुली उसकी वाइफ ने कहा कि आपको तो बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे. इफ़ यू लाफ वैन देयर इज़ नथिंग टू लाफ एट, यदि आप हंसे और वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था हंसने के लिए, यू मस्ट बी इल और मैड, या तो आप बीमार हो या आपका मानसिक जो बैलेंस है मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो. वॉट इज़ द मैटर, क्या मामला है, समझ में नहीं आ रहा है, यानी आपको बताना ही पड़ेगा. स्टिल द किंग रिफ्यूज टू से, हाँ फिर भी राजा जो है मना करता रहा कि मैं नहीं तुम्हें बता सकता. अगर क्यों कर रहा था वो बताने से, क्योंकि उसको कर्ज था, अगर वो किसी को बता देगा कि मुझे उनकी भाषा समझ में आती है, वर्ड्स की, चिड़ियाओं की, एनिमल्स की, तो उसकी डेथ हो जाएगी, इस वजह से वो नहीं बताना चाह रहा था. एंड स्टिल द क्वीन डिक्लेयर्ड दैट शी मस्ट एंड वुड नो फॉर डेज द क्वेरल वेंट ऑन, उसने वो कंटिन्यू रखा उसकी वाइफ ने, क्वीन ने, कि अगर आपने नहीं बताया तो उसी बात पर झगड़ा उनका लगातार चलता रहा. एंड द क्वीन गेव हर हस्बैंड नो रेस्ट, और उसकी वाइफ ने उसको, क्वीन ने आराम नहीं मिलने दिया, यानी हर वक्त वही पूछती रहती थी. अंटिल एट लास्ट, आखिरकार द पुअर मैन वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ हिज वेट्स, आखिरकार उसके दिमाग, राजा के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ. एंड थॉट दैट, और उसने सोचा, एज लाइफ हैड बिकम फॉर हिम हार्डली, जिंदगी इस तरह से वो झगड़े वगैरह से तो उसकी मुश्किल जीना मुश्किल हो गया है, अब क्या करना चाहिए. हार्डली वर्थ लिविंग वाइल ही दिस वेंट ऑन, यानी ये कब तक चला रहा है, इस तरह से जीना तो बहुत मुश्किल है. ही माइट एज वेल टेल हर द सीक्रेट एंड टेक द कॉन्सिक्वेंसेस. अब उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सीक्रेट बताता हूँ, यानी आउटकम्स. उसने जो रहस्य छुपा रखा था अपने अंदर कि उसे सारी बर्ड्स की, एनिमल्स की, उनकी लैंग्वेज आती है, अब वो सोच रहा था अब तो बताना ही पड़ेगा अपनी वाइफ को. बट थॉट ही, इफ़ आई एम टू बिकम अ स्नोर, उसको क्या सर आप मर जाऊँगा, नहीं वो अगर बता देता तो क्या बन जाता, स्टोन, पत्थर बन जाएगा. यदि मैं एक पत्थर बन जाता हूँ, वो कहता है आई एम नॉट गोइंग टू लाई, तो मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा. इफ़ आई कॉन्ट हेल्प इट, तो मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ. ऑन सम डस्टी हाईवे टू बी किक्ड हियर एंड देयर बाई मैन एंड बीस्ट, क्या होगा अगर पत्थर बन जाऊँगा, तो मुझे इधर उधर कहीं रोड पर फेंक देंगे और कोई भी मुझे पैर से इधर उधर किक मार के फेंक देगा. फ्लंग एट डॉग्स बी यूज एट द प्लेइंग विद नॉटी चिल्ड्रन, या तो मुझे कुत्ते इधर उधर, यानी किसी भी काम के लिए यूज़ होंगे, बच्चे खेलेंगे, पत्थर इधर उधर फेंकेंगे. एंड बिकम जनरली रेस्टलेस एंड मिजरेबल, और मेरी ज़िंदगी तो बहुत बेकार हो जाएगी जब मैं पत्थर बन जाऊँगा. आई विल बी स्टोन एट द बॉटम ऑफ द कूल रिवर, या फिर किसी नदी के किनारे पर मैं एक ठंडे में पड़ा हुआ एक पत्थर बन जाऊँगा. एंड रोल जेंटली, और धीरे धीरे मुझे लुढ़का के कोई अबाउट देयर अंटिल आई फाइंड सम सिक्योर रेस्टिंग प्लेस एंड वेयर आई कैन स्टे फॉर एवर, या तो फिर मुझे कोई ऐसे नदी के किनारे ले जाके कूल प्लेस में, शांत जगह में छोड़ दे, जिससे कि मैं हमेशा के लिए शांत पड़ा रहूँ. सो ही टोल्ड हिज वाइफ दैट इफ शी वुड राइड विद हिम टू द मिडल ऑफ द रिवर,
तो वो क्या कहता है अपनी वाइफ से, ठीक है अगर वो चाहती है कि मैं उसे बताऊं तो वो मेरे साथ नदी तक चले, यानी नदी के किनारे, वहीं जाकर बताऊंगा जिससे कि अगर स्टोन बन भी गया तो नदी के किनारे ही हमेशा रहूंगा और उसकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, कम से कम पत्थर बन के तो सुकून से रह पाऊंगा। किससे कहता है वो, इस तरह से अपनी वाइफ से कहता है। ही वो टेल हर वॉट ही हैड लाफ्ड एट, वो वहीं पर नदी के किनारे ही उसे बताएगा कि वो क्यों हंसा था। शी थॉट ही वॉज जोकिंग, वो सोचती है वो तो बहुत मजाक कर रहा है, उसका हस्बैंड जो है ये ऐसी फालतू में मजाक कर रहा है, इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है, उसकी वाइफ सोचती है ऐसा। एंड लाफिंग अग्रीड, वो हंसते हुए तैयार हो जाती है उसके साथ जाने के लिए नदी के किनारे। देयर हॉर्सेज वर ऑर्डर्ड एंड दे सेट, और घोड़ों को ऑर्डर दिया जाता है कि वो वहाँ रेडी किए जाएँ कि वो नदी के किनारे पर जाएंगे। ऑन द वे, रास्ते में, ही केम टू अ फाइन वेल बीनीथ द सेड ऑफ सम लॉफ्टी वाइड स्प्रेड ट्रीज, एंड द किंग पर प्रपोज दैट दे शुड गेट ऑफ एंड रेस्ट अ लिटिल, ड्रिंक सम ऑफ द कूल वाटर एंड देन पास ऑन। तो राजा सोचता है कि वहाँ पर बहुत ठंडी हवा चल रही थी, एक कुएं के पास में पेड़ थे, बहुत ठंडी हवा वहाँ हो रही थी, और राजा सोचता है कि थोड़ी देर वहाँ पर हमें रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट करके ठंडा पानी पी के थोड़ा उसके बाद हम आगे की जो हमारी जर्नी है, ट्रेवल है नदी तक जाने की, वो कंटिन्यू करेंगे। सो टू दिस, इसके लिए द क्वीन कॉन्सेंटेड, वो एग्री हो जाती है, ठीक है कोई बात नहीं। सो दे डिसमाउंटेड एंड सेट डाउन इन द शेड बाई द वेल साइड टू रेस्ट, इसलिए वो वहाँ से घोड़े पे से उतर जाते हैं और वहाँ पर शेड में जो ट्री वेल के पास, कुएं के पास जो पेड़ थे वहाँ पर रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर बैठ जाते हैं। इट हैपेंड दैट एन ओल्ड गोट एंड हिज वाइफ वर ब्राउजिंग इन द नेबरहुड, क्या होता है वहाँ पर, एक जो है ओल्ड गोट, बहुत ही बूढ़ी जो बकरी थी, वो बकरा या बकरी और उसकी वाइफ वहाँ पर पड़ोस से ही वहाँ पर आ जाते हैं। एज द किंग एंड द क्वीन सेट देयर, वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर राजा और रानी बैठे हुए थे पेड़ के नीचे। द नैनी गोट, नैनी गोट कहती है, केम टू द वेल्स ब्रिंग एंड पियरिंग ओवर शो सम लवली टेंडर ग्रीन लीव्स दैट ग्रू आउट ऑफ द इनसाइड वॉल ऑफ द वेल, वो क्या कहती है, देखो दूसरी बकरी से कहती है कि कुएं के अंदर बहुत ही प्यारी हरी घास मुझे दिखाई दे रही है और मैं इसके वो खाने के लिए उसको ट्राई करते हैं। दूसरी बकरी से कहती है, कुएं के अंदर किनारे से दिखती है, अगर वो उसे खाने के लिए करेगी तो उसमें गिर जाएगी और मर जाएगी। ओ क्राइड सी हर हस्बैंड, वो और अपने हस्बैंड से चिल्लाती है, कम क्विकली एंड लुक, आओ और जल्दी ये देखो। कौन कहती है, वो नैनी गोट कहती है अपने हस्बैंड से, ये कहती है आओ और वो घास देखो, वो चिल्ला के, हियर आर सम लीव्स, यहाँ पर कुछ पत्तियाँ हैं, विच मे मास माई माउथ वाटर, उन्हें देखे कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, हरी हरी घास की पत्तियाँ कुएं के अंदर साइड में थी, कम एंड गेट देम फॉर मी, आओ और ये पत्तियाँ मेरे लिए लेके आओ। कौन कहती है, वो बकरी कहती है अपने हस्बैंड से, दूसरे ही जो गोट बकरी उसकी जो हस्बैंड था उससे कहती है। सो आई हैव कम्प्लीटेड दिस पेज टुडे, नेक्स्ट डे आई विल प्रोवाइड यू नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर।